बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको आज के डॉलर रेट और रियाल से अपडेट कर दूंगा जी। मैं पाकिस्तान में आज टर्म मनाया जा रहा है जी, और आप भाई तो आज मरु यानी कि ईद का तीसरा दिन मना रखे होंगे। आपको बड़ा डॉलर रेट और रियाल के मतलब अपडेट करता हूं मैं। आज भाई काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है मुझे। और एक चीज़ और वाजा करूँ यहाँ पर कि मैं आपको पहले जैसे कि बोला था कि ईद के बाद या ईद के ऊपर ही ये फिर से आप होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न ये थी कि IMF की तरफ से हमें कर्ज़ा नहीं मिला, और जब कर्जे की किस्त जारी जब तक नहीं की जाएगी पाकिस्तान को डॉलर भाई रुकने वाला नहीं है। पहले आपको मैं यहाँ पर डॉलर रेट ही दिखा दूँ जो कि आज का 207.88 रुपये हो चुका है, जो कि कल की नस्बत तकरीबन 1 रुपये बढ़ चुका है। अगर हम एक्सचेंज रेट जो रियाल है उसके मतलब बात कर लें तो 55.38 रुपये हो चुका है। 55.38 रुपये ये भाई रेट है जी आज का, टरू वाले दिन का आपका, यानी कि आप सऊदी में देख रहे हैं तो आपका तीसरा दिन है जी। अभी मैं इंडिया का बता दूं 21.10 है जी, वही चल रहा है, और बांग्लादेश टका 25 टके हो चुके हैं। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे STC पे की, मोबाइल ऐप के थ्रू अक्सर भाई पैसे भेजते हैं। इसमें ये होता है कि आप 200 रियाल 100 रियाल भी भेज सकते हैं किसी को। इनका रेट आज का है जी 54.07 रुपये और 17.25 रियाल फीस है इनकी। फौरी बैंक बैंक अलजजीरा की बात करेंगे तो इनका आज का रेट रखा जी 53.94 रुपये और 10 रियाल फीस के साथ है। तखरील राजी बैंक के मुतल आपको बता दूं जिनका रेट आज रहा है 53.87 रुपये, 10 रियाल 17 रियाल और 17.23 रियाल फीस के साथ है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको आज का रेट मिल जाएगा 54.12 रुपये और 23 रियाल फीस के साथ है। मनीग्राम की बात करें तो आपको 54.30 रुपये रेट मिलेगा मनीग्राम का, और 23 रियाल इनकी फीस है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मुतल बात करें तो आज का रेट इनका रहा है 54.65 रुपये हाई रेट इनका रहा है जी आज, और इनका भी यानी कि 15 रियाल फीस है। इंजाज बैंक के मुतालिक आपको बता दूं इनका रेट रखा जी आज 53.98 रुपये और 10 रियाल 17.23 रियाल फीस के साथ है। क्विक पे के मुतालिक बात करें तो इनका रेट 54.17 रुपये, 10 रियाल 17 रियाल फीस के साथ है। हंडी वगैरह के मुतालिक मुस्लिम वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। मजीद आप भाई उन किसी और बैंक वगैरह के मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक पूछना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।